जाने के बाद तू ही तो एक मेरा सहारा है, तो मैं क्या करती? मैं अभी नहीं मारूंगी, तू मस्ती मत करना। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, इसलिए मैं तेरे को रोकूं, तू गिर जाती तो क्या होता? बोल तू मुझे, अभी नहीं करेगी ना? कसम ले, कसम ना। ठीक है दादी, मैं नीचे खेलने जाऊँ। जाओ बेटा, लेकिन मस्ती मत करना, चोट नहीं लगनी चाहिए। ये लड़की की तो मस्ती ने मुझे हैरान करके रख दिया है। बिन माँ बाप की बच्ची को बड़ा करना बहुत मुसीबत का काम है। माँ बाप तो उसके चले गए, लेकिन वो भी बिचारी क्या करे, वो मस्ती नहीं करे इस उम्र में, तो क्या हम बड़े लोग करने वाले हैं मस्ती? और दूसरा कुछ नहीं, मुझे ये लगता है कि उसको कुछ चोट आ गई, किधर वो गिर गई, किधर लगा, इसके लिए मुझे इसका ध्यान रखना पड़ता है, और इसलिए मैंने उसको थप्पड़ लगाया। मैंने बहुत गलत किया, मुझे नहीं मानना चाहिए था, लेकिन मारती नहीं तो वो और मस्ती करती, इसलिए मुझे मारना पड़ा। मेरा इरादा उसका वो नहीं था, मारने का नहीं था, लेकिन क्या करूं, मारना पड़ा उसको। छह बज गए, अभी तक राशि नहीं आई, 2 घंटे हो गए उसको जाके, कहाँ गई होगी? मैं उसकी फ्रेंड के घर फोन लगाती हूँ। पहले मैं चारू को फोन लगा के पूछती हूँ कि राशि आई है कि नहीं आई है। चारू को तो पूछू, चारू के यहाँ से मिलेगा अपने को। इसका फोन एंगेज आ रहा है, अभी मित्तल को करके देखती हूँ। हेलो मित्तल, मैं राशि की दादी बोल रही हूँ। राशि यहाँ पे आई है क्या? क्या नहीं आई है? अच्छा, तो तुझे पता है कहाँ गई है वो? अच्छा, नहीं पता।
वो नीचे खेलने गई थी, लेकिन 2 घंटा हुआ अभी तक आई नहीं है घर पे। तुझे पता है कहाँ गई है वो? अच्छा अच्छा नहीं पता है, ठीक है। अभी तक नहीं आई ये लड़की। हाँ राशि की दादी। हाँ चारू तो आ गई घर पर, कभी का राशि नहीं आई। आ जाएगी, टेंशन मत लो। हाँ आ जाएगी ये लड़की, चारू के घर भी नहीं गई हो। मैं कितनी रात देखती थी तेरी, समझ नहीं आता था मैं क्या करूं। चारू को फोन लगाया, मित्तल को फोन लगाया, कहीं पे भी तू नहीं थी। गार्डन गए थे, लेकिन बोलना तो चाहिए कि नहीं गार्डन गई थी वो। वो पता नहीं था हम लोग वहां पे नया गार्डन बनाए वो। 2 घंटे से मैं तेरा इंतजार कर रही थी। कैसे गया वो पता नहीं चला, हम लोग गार्डन में मजा आए थे। लेकिन मैंने तुझे बोला है ना, कहीं भी जाए मुझे बोल के जाए, मैं इधर जा रही हूँ। शाहरुख कभी की घर पर आ गई, लेकिन तू नहीं आई तो मुझे कितनी चिंता होने लगी तेरी। कितनी बार बोला है मैंने तुझे कि मेरे मुझे बोले बिना तू किधर भी मत जा। हम लोग एक ग्रुप के साथ गए थे आइसक्रीम खाने और हम लोग गार्डन में बहुत घूमे, मजा आया। अरे तुझे मजा तो आया, लेकिन तेरी दादी की जान निकली उसका क्या? मैं क्या बोलती, तेरे सिवा मेरा कौन है वो बता मुझे दुनिया में। सॉरी दादी, अभी मत करना। सॉरी कह के तू मेरे को बना लेती है क्यों?